एवरीवन नमस्ते। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने वाली हूँ आइकिया प्रोडक्ट्स पार्ट टू। जो जो भी प्रोडक्ट्स मैंने परचेस करे हैं उनके बारे में, फर्नीचर पार्ट टू और या जो भी चीज़ें मैं यूज़ कर रही हूँ थोड़ी बड़ी उसमें। तो यस, अगर आपने पार्ट वन नहीं देखा है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, पहले पार्ट वन ज़रूर देखिएगा, उसके बाद आप पार्ट टू देखिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट टू से। तो फर्स्ट जो प्रोडक्ट है वो है ये स्टडी टेबल। अगेन इसको मैंने अमेजन से मंगवाया, इसको मैंने आइकिया से नहीं लिया था, ये मैंने अमेजन से मंगवाया था। तो आइकिया के प्रोडक्ट्स की एक चीज़ बहुत अच्छी है कि उनकी फिनिशिंग बहुत तगड़ी होती है। मटेरियल वगैरह तो सब गया तेल लेने, बट जो फिनिशिंग होती है वो उनकी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो मुझे एक अच्छा ड्रॉअर जिसमें हो उस तरीके का एक टेबल चाहिए था, तो ये मैंने आइकिया से परचेस किया था एंड मैं इसको यूज़ कर रही हूँ। मतलब मेरे हिसाब से तो मेरे अकेले के काम करने के लिए इट्स परफेक्ट। अगर आप एक लैपटॉप पर काम करते हैं तो, अगर आप क्या बच्चे हैं, आप बच्चों के लिए ले सकते हैं, बहुत अच्छी टेबल है, साइज़ वगैरह इसकी बहुत अच्छी है। तो ये है फर्स्ट टेबल। सेकेंड जो प्रोडक्ट है वो है ये, दिस इज़ अगेन अ वर्किंग टेबल फॉर विक्की। तो विक्की को थोड़ा बैक इश्यूज होना स्टार्ट हो गए। ऑब्वियसली जो भी लोग सिस्टम पे बैठ करके घंटों घंटों काम करते हैं ना, 12-12, 13-13, 14-14 घंटे, कोई काम की टाइम की लिमिट नहीं होती, उन लोगों को बैक इश्यूज डेफिनेटली होते ही होते हैं। आप कितना भी वर्कआउट कर लो, आप अगर एक एक घंटे में उठते नहीं हो गए और कंटिन्यूस सिटिंग वाली जॉब वाले लोगों का थोड़ा थोड़ा बैक इश्यूज होता है। तो विक्की को भी बैक इशू होना स्टार्ट हो गया था। और जो हमारी पुरानी टेबल है जो हमारी होम सेंटर से हमने ली हुई थी, उसका भी ना बहुत अस्थि पंजर एक हो गए थे। मतलब 4 साल हो गए थे उस टेबल को, बट वो ज़्यादा चली नहीं, तो उसके अस्थि पंजर एक हो रहे थे। तो आई थॉट कि उसको वहीं छोड़ करके आते हैं और यहाँ पर हम नई टेबल ले लेंगे। मैंने विक्की को बहुत पुश किया कि इन्वेस्ट करो अपने ऊपर, अच्छी चीज़ लो, नहीं ले रहे हो तो चलो मैं दिलवा देती हूँ। मतलब ऐसे करके मैंने उसको इतना ज़्यादा पुश किया है, तब जा करके वो अग्री हुआ है इस टेबल को लेने में। तो बहुत अमेजिंग टेबल है। सबसे बेस्ट पार्ट इसकी ये है कि इसमें आप इसको घुमा करके मैनुअली ऊपर कर सकते हैं, हाइट पर ले जा सकते हैं, और आप मैनुअली उसको नीचे कर सकते हैं। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है, जैसे अगर वो 3 घंटे बैठ के काम कर रहा है तो वो 3 घंटे खड़े होके काम करता है, या चलो 1 घंटा भी खड़े होके काम कर लेता है अगर बाकी टाइम बैठ के काम कर रहा होता है। तो घर से काम करने के लिए दिस इज द बेस्ट टेबल। इसमें एक बहुत एक्सपेंसिव वाला भी आता है, इलेक्ट्रिक वाला, 50,000 कुछ का आता है, बट उसका करना क्या है भाई, हाथ की एक्सरसाइज भी हो जाती है, इससे 2-in-1 हो जाता है। तो आई रियली लाइक इट। और ये जो प्राइस है, आई थिंक 17,000 या 18,000 ऐसे कुछ में था, मुझे एग्जैक्टली इसका प्राइस याद नहीं है। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, दिस एलेक्स चेस्ट ऑफ ड्रॉअर। 9 शेल्व्स है। अगर आपको पता होगा तो मैं अपना जो वैनिटी स्टोरेज वाला था मेरा, मैं वो लेके नहीं आई थी, बिकॉज दैट इज़ वेरी वेरी बल्की, और मैं उसको वहीं छोड़ करके आते हैं, बहुत जगह लेता है वो। तो मैंने उसको बड़े प्यार से बनवाया था, तो मुझे पता ही था कि मैं मिरर विरर कहाँ पे लगाने वाली हूँ, तो मुझे था कि उसकी इतनी ज़रूरत है नहीं अभी। और यहाँ के लिए आई बॉट दिस 9 चेस्ट ऑफ ड्रॉअर वाला एलेक्स का, छोटा सा स्लीक सा। इसमें हमने एक छोटा सा मॉडिफिकेशन ये किया कि नीचे हमने व्हील्स लगा लिए हैं, तो उसको मूव करके मैं कहीं पर भी लेकर के जाती हूँ। इट्स अमेजिंग। मैंने अपना बहुत मेकअप का सामान डीक्लटर किया एंड पर्पस इसको खरीदने का ये था कि मुझे वो जो इतना सारा मैंने भर के रखा था ना, उसको मैं डीक्लटर करूँ। तो इसमें भी मेरे टारगेट थे कि 5 to 6 ड्रॉज ही मुझे मेकअप के रखने हैं, बाकी मेकअप के ड्रॉज नहीं रखने। तो इसमें हमने काफ़ी सारा रैंडम सामान भी रख करके रखा हुआ है, इट्स अमेजिंग। हाँ, लेकिन ऐसा हुआ था कि आई थिंक 1 month के बाद ना, जब मैंने इसका ड्रॉअर ओपन करने की कोशिश करी तो मेरे हाथ में उसका वो बाहर आ गया था। तो क्वालिटी वाइज आई विल नॉट से कि बहुत अच्छा है, बट ठीक है, काम चल रहा है। अभी 1 महीना ही हुआ है मुझे यूज़ करते हुए, बाकी प्रोडक्ट्स को जैसे साल भर हो गए हैं, उसका मुझे नहीं पता कि वो कितना चलने वाला है। सो दिस इज़ माय नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इज दिस छोटा सा आयरन का स्टोरेज यूनिट। दिस इज़ अमेजिंग। मतलब अगर आप क्या बच्चे हैं या आप कि खुद की वर्किंग टेबल है, तो आप इस तरीके का प्रोडक्ट ले सकते हो। इनफैक्ट आप इसको अपने बेड साइड टेबल की तरह भी यूज़ कर सकते हो। दे आर अमेजिंग। काफ़ी सारा स्टोरेज है इसके अंदर और मेटल का है, तो कुछ दिक्कत भी नहीं होती है इसमें। और मैंने तो अपना पूरा जो भी स्टेशनरी का सामान है, लाइक कलर्स वलर्स DIY का जो भी सामान होता है, वो मैंने उसके अंदर रख के रखा है, बहुत अच्छे से स्टोर हो गया है। सो दिस इज़ माई नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है, इज़ दिस बैल्कनी स्टोरेज यूनिट। तो अगेन ये बैल्कनी स्टोरेज बोल लो या बाथरूम स्टोरेज बोल लो, कहीं का भी आप बोल सकते हो। तो हमको ना यहाँ पर जहाँ हमने अपना बेडरूम वाली बैल्कनी है, उसमें हमको दोनों साइड स्टोरेज बनवाना था। एक तरफ तो हमने बनवा दिया था, दूसरी तरफ हम रुक गए थे बनवाने के लिए। क्यों? क्योंकि हमको पता था कि AC की जो वेंट है वो वहाँ पर लगने वाला है, तो जब वो लग जाएगा तो उसके हिसाब से हमको वहाँ पर स्टोरेज बनवाना पड़ेगा। तो जो हम स्टोरेज बनवा रहे थे उसकी कॉस्टिंग हमको 19,000 to 20,000 पड़ रही थी। और ये जो आइकिया का स्टोरेज है ये भी मेटल का ही है, ये हमको 9,000 कुछ में पड़ा है, 9,500 to 9,500 का पड़ा है। तो ये हमको ज़्यादा सस्ता पड़ रहा था और ये पर एकदम फिट भी बैठ रहा था, तो हम लोगों ने इसको खरीदना ज़्यादा हमको बेटर लगा। तो ये इसमें हमने काफ़ी सारा अपना जो आयरन का
कबाड़ा वबाड़ा सामान होता है ना, जो बिल्कुल बहुत रेयरली आप यूज़ करते हो, बल्ब्स पुराने धुराने, वायर्स, ये वो, मतलब विक्की का जो भी हार्डवेयर का सामान है वो सब मैंने बाहर रख के रखा हुआ है उसके अंदर। अभी तो सब भरा हुआ है, पता है, बहुत सारा सामान ना अभी भर दिया है, ऑर्गेनाइज नहीं किया है, धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन हो रहा है। जैसे अभी लिविंग रूम सॉर्ट किया है, ऐसे धीरे धीरे करके वो भी सॉर्ट करेंगे। सो दिस इज़ द नेक्स्ट प्रोडक्ट। उसके बाद जो लास्ट प्रोडक्ट है दिस आइकिया के लैम्प्स, आई रियली नीड टू टेल यू, ये इतने ज़्यादा प्रिटी लगते हैं ये, इनको भी मेरे ख्याल से एक साल हो गया है। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है इनका पैटर्न, मुझे बहुत अच्छा लगता है। सो दिस इज़ ऑल्सो माई फेवरेट प्रोडक्ट। अगर आप लैम्प लेने का सोच रहे हैं तो यू कैन कंसिडर देम, दे आर वेरी स्टर्डी। सो दिस इज़ माई लास्ट प्रोडक्ट एंड या सारे प्रोडक्ट्स की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड कॉमेंट डाउन बिलो। मुझे बताइएगा जरूर इनमें से आपका फेवरेट प्रोडक्ट कौन सा है और आप कौन सा प्रोडक्ट परचेज करने वाले हैं। मैं मिलती हूँ आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।